आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास शुरू करूँगा। आवाज आ रही होगी तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, यस करके, ठीक है? उसके बाद जो है आगे क्लास को शुरू करेंगे। उसके बाद जो है आगे क्लास को शुरू करेंगे। उसके बाद जो है आगे क्लास को शुरू करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सेटअप तो बना लेता हूँ। ठीक, आवाज़ तो आ रही है। अब देखिए, किसी किसी के बच्चे बच्चे के में जो मोबाइल में है स्क्रीन साफ नहीं आएगा, तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सेटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी दिखाई दे रहा है 144 में। उस 144 को आप जो है सबसे पहले एडवांस में जाना। एडवांस में जाने के बाद 240 या 360 में कर देना, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये जो पिक्चर क्वालिटी दिख रही है वो आपको बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है? चलिए क्लास शुरू करें। गुड इवनिंग बच्चों, कितने बच्चे जुड़ गए? 36 बच्चे जुड़ गए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबका उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। हम तो बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ाते गए, और पिछले साल आप लोगों का, आपके साथ आपके इसके पहले जो बच्चे पढ़े नवोदय की, उन सब का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिजल्ट वो लोग दिए हैं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं बच्चों के माता पिता ने, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर घर के एक छोटे से कोने में आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, है ना? और उसके बाद आप जो है क्लास किस प्रकार से अटेंड करेंगे, आपकी व्यवस्था है। हो सकता है कोई बच्चे मोबाइल से देख रहे हो, कोई लैपटॉप में देख रहे हो, कोई जो है बड़े स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके पास जो सुविधा है उससे पढ़ रहे हैं। अब जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है कि जो भी माता पिता, आपके जो माता पिता है, आपके जो टीचर हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े, वो निगरानी करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके में एक ईमानदारी हो, अर्थात आपको यदि नवोदय पास करना है तो आपको रोज़ पढ़ना ही होगा। आधा घंटा एक घंटा का वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए है। हम आपको तरीका बताते जाएंगे कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, लेकिन उस प्रश्नों को आपको हल करने का बार बार प्रैक्टिस करना है। आपके पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है? और चलिए, और उसके बाद जो है, ये अभी देख रहे होंगे जितने बच्चे देख रहे हैं उतने कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, तो हमारे क्लास की खासियत ये है कि जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, जो बेल आइकन दबाए हैं, केवल वही कमेंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे जिनके में कमेंट करने का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, वो क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर चैनल के नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेल आइकन का एक छोटा सा घंटी का चिन्ह है, उसको दबाएंगे। ये चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऐसे दिखाता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहता, जैसे मैं कुछ देर के लिए अनसब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रेड कलर में दिखाई देगा। अगर रेड कलर में, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस सबसे पर इसको दबाइए, दबाने के बाद यहाँ पर घंटी को दबाना, उसके बाद आल को सेट कर देना। इस प्रकार से आप हमारे क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है, आने वाले क्लास में। उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिंक को ओपन करना है, उज्जवल लक्ष्य लाइव क्लास ढूंढना है, सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने काफ़ी वीडियो दे दिए हैं संख्या पद्धति पर, तो आज का प्रश्न की शुरुआत हम 10 प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, और 10 प्रश्न अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न को देख के आप क्लास छोड़ के मत जाना, ठीक है? पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं जाएंगे, मुझे विश्वास है, जो आया राम गया राम हो बिल्कुल चले जाएंगे, है ना भाई? इस प्रकार से आप जो है क्लास में जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़ना। पहला प्रश्न मैं आपके बीच रख रहा हूँ आज का, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, नौ के अपवर्त्य है, नौ के अपवर्त्य है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 44,
ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 55। चलिए, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से 9 के अपवर्तक कौन सा है ये आपको कमेंट करना है ना। कमेंट कीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वास्तव में इसका उत्तर क्या है। चलिए टाइम शुरू होता है, कैसे कमेंट करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके मोबाइल के नीचे इस वीडियो के नीचे है ना, ये देखिए यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइव चैट का, लाइव चैट को क्लिक करेंगे और नीचे में देखिए जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जैसे ऑप्शन ए देना चाहते हैं तो ए लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको आप सेंड कर देंगे, ठीक है। ये जी ये करना है आपको, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया, ठीक, इस प्रकार से आपको कमेंट करते जाना है। वीडियो को लाइक सभी बच्चे कर दें, आप लोग लाइक करते हैं वही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रहता है। एक भी बच्चे वीडियो को अनलाइक नहीं करना, सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए सबसे लाइक कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लाइक का थंबनेल है ना, पहले पहले बार आप जुड़े होंगे मान लें तो यहाँ पर देखिए लाइक का थंबनेल है, इसको आप क्लिक करेंगे ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। देखता हूँ कितने बच्चों का उत्तर आ रहा है, हाँ लगभग अधिकांश बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, अधिकांश बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। अब इसमें कुछ बच्चों को परेशानी होगी, क्यों परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 9 के अपवर्त्य है। यदि आप अपवर्त्य शब्द को समझते हैं, अपवर्त्य शब्द को समझते हैं तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसी शब्द को नहीं समझते हैं तो ये बहुत कठिन है, गलती करने की चांसेस रहेगा अगर आप इसको नहीं समझते हैं। तो बता, सबसे पहले हमको समझना होगा कि अपवर्त्य क्या है, सबसे पहले हमको समझना होगा अपवर्त्य क्या है। जैसे कि हम 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, इस प्रकार से बढ़ते जाता है, कहाँ तक हम पढ़ते हैं 2 दहम 20 तक, लेकिन 2 का पहाड़ा 20 तक ख़त्म नहीं होता, इसके बाद और बढ़ते जाता है, अर्थात इसमें 22 है ना, 22, 24, 26, 28 ये बढ़ते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। शुरुआत 2 से हुआ लेकिन ख़त्म कर, ये क्या है, 2 का पहाड़ा है। यदि हम 3 के पहाड़े की बात करें तो 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। 10 के में देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये जो है आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये क्या चीज़ है, ये सब जो है 2 के पहाड़ा में आ रहा है, अर्थात 2 से पूरी तरह ये विभाजित होगा, है ना, तो ये 2 के अपवर्त्य कहलाएंगे। ये जो है सब जो है 2 के अपवर्त्य है, क्या है ये 2 के अपवर्त्य है, इसको बोलेंगे 2 के अपवर्त्य। क्या क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसमें 2 का जो पहला अपवर्त्य है वो है 2, है ना, 2 है, फिर 4, 6 इसी प्रकार ये सब 3 के अपवर्त्य है, ये सब 10 के अपवर्त्य है, ये सब 10 के अपवर्त्य है। क्लियर है? और अपवर्त्य का ही एक और नाम है, अपवर्त्य का ही एक और नाम है, उसे कहा जाता है गुणज। क्या कहा जाता है? गुणज। अपवर्त्य को ही गुणज कहा जाता है। तो कभी प्रश्न जो है ऐसा पूछ दिया जाएगा, बहुत सामान्य सा प्रश्न है ना, शुरुआत प्रश्न हम बहुत सरलता से करेंगे, छोटे प्रश्न पहले करेंगे, फिर धीरे 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 प्रश्नों को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ अपवर्त्य, अपवर्त्य को कहा जाता है गुणज। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, उसको बता दें किसको कहा जाता है मल्टीपल, मल्टीपल इसको कहा जाता है मल्टीपल। ये तीनों चीज़ें एक ही है। क्लियर हुआ? जो पहाड़ा में आता है वही उसका अपवर्त्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे 21 जो है 9 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता। 9 3 27 होता है, 9 2 18 होता है, 21 नहीं आता, ये भी नहीं आता। 9 5 45 आता है, 55 नहीं आता, अर्थात ये जो है 9 के पहाड़ा मार है तो यही जो है 9 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हुआ, प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहिए, है ना, साथ ही साथ लिख लेंगे या बाद में इसका एक बार और देख करके लिख लेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है 6 के, चलिए एक और प्रश्न देता हूँ इसी प्रकार से, है ना, चलिए 8 के गुणज, 8 के गुणज निम्न में से कौन कौन
नहीं है, देखिए नहीं है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी है 56। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। समझ आ गए ना आप लोगों को, गुणज और अपवर्त दोनों एक ही है, है ना भाई, दोनों एक ही है। हाँ वीडियो को लाइक अवश्य करें बच्चों। बताइए कौन सा नहीं है। देखिए पद्मनी को दिक्कत हो रहा है, 56 नहीं है बोल रहे हैं, है ना भाई, ये छोटी छोटी दिक्कत है। कैलाश वर्मा जुड़ गए हैं, अर्थात कैलाश वर्मा संभवतः तुलसी से है। चलिए ऑप्शन डी आ रहा है कुछ बच्चों का, चलिए बताएंगे अभी, क्लियर करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको सीखना है पहले। चलिए बताते जाइए, ठीक। चलिए ज़्यादा इसमें दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को है, है ना, ये जैसे पद्मनी को हुआ। तो देखिए क्या हो, देखो बच्चों, आठ का गुणज अर्थात आपको ये देखना है, देखो आठ के गुणज निम्न में से कौन नहीं है बोला है। नहीं है मतलब इसमें जो चार ऑप्शन दिया है ना, उसमें से तीन ठो ऑप्शन तो उसके गुणज है ही है, तीन ऑप्शन उसके गुणज है, एक ऑप्शन बस गुणज नहीं है। तो देखो ये आठ के पहाड़े में आता है, आठ का गुणा 100 से करोगे 800 होता है, तो ये तो गुणज है इसका। आठ छक्का 48, ये तो गुणज है। आठ के पहाड़े में 52 आता है क्या, आता है क्या, 8 6 48, 8 7 56, 52 नहीं आता, तो ये जो है इसके पहाड़ा में नहीं आ रहे, यही जो है इसके गुणज नहीं। 8 7 56 तो पहाड़ा में आ रहे, 56 तो पहाड़ा आता है ना, 8 के पहाड़े पढ़ लो, 8 7 56, तो वो तो गुणज है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा गुणज नहीं है, कौन सा गुणज नहीं है, तो 52 आया, क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, अब इससे थोड़ा सा लेवल बड़ा करके, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ अपवर्त क्या है, गुणज क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। अब तीसरा प्रश्न जो है इससे ऊपर का, जो अक्सर पूछा जाता है, छह के प्रथम छह गुणजों का योग होगा, ये ऑप्शन, ये प्रश्न क्रमांक तीसरा। और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है 216। चलिए बनाइए फिर मैं बताऊंगा, आप लोग कोशिश कीजिए, इसी प्रकार से प्रश्न आपके बुक में है, फिर मैं बताऊंगा। चलिए मैं देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, है ना भाई, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हो सब में शेयर कर दीजिए कि नारायण सर का लाइव क्लास शुरू हो चुका है। चलिए चलिए बताइए, हमारा क्लास अब YouTube पर होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हमें से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने पास YouTube, तो हमारा क्लास टोटल YouTube पर होगा और किसी प्लेटफार्म पर नहीं होगा। cgschool.in पर हमारे क्लास के लिंक रहेंगे, हमारे जो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा योजना है पढ़े तुम्हार द्वार, उस पर हमारे सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे और यहाँ पर उज्ज्वल लक्ष्य पर रहेंगे, ठीक है। बताइए, चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करते जाइए, ठीक। अब इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे, देखिए अब कमेंट लेट से आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है या नहीं आ रहे हैं। चलिए बनाते जाइए, योगेश भी जुड़ गया, संजय कुमार भी जुड़ गया, चलिए हाँ 126, बढ़िया, हल कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ मैं इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं पढ़ा पाता हूँ फिलहाल, अगले साल देखेंगे, फिलहाल तो अभी हिंदी मीडियम पर है, टोटल हमारा क्लास हिंदी पर रहता है, ठीक है। हाँ बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे क्लास से जुड़ करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इसी प्रकार से बच्चों ने हमारे क्लास से जुड़ते गए
और कॉन्सेप्ट को समझते गए। ठीक है, चलिए, काफ़ी बच्चों का उत्तर आ रहा है 126, काफ़ी बच्चों का उत्तर आ रहा है 126। मैं एक और इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे हम सरलता से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं जब 6-7 का पूछा जाता है तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन यदि जो है मैं इसका उत्तर बताऊंगा, इसका उत्तर जो है क्या है, उत्तर इसका कैसे आएगा अभी क्लियर करूंगा। ये जो है 126 है, इसका उत्तर 126 आएगा, अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले एक और प्रश्न उन बच्चों के लिए जो 126 उत्तर दिए हैं, वो भी बताना कि अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, फिर मैं दोनों प्रश्न एक साथ समझाऊंगा। 23 के प्रथम सात गुणजों का योग है। यहाँ पर 23 का पूछा गया है, 23 के प्रथम सात गुणजों का योग। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 64, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 720 और ऑप्शन डी है 644। चलिए एक बार इसको हल कीजिए, फिर मैं दोनों को बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। चलिए हल कीजिए, चलिए उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे क्लास का लाभ ले सके। 63 बच्चे देख रहे हैं, केवल 47 का लाइक आया है, बाकी बच्चे भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है कि हम आगे और इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाते रहें। ठीक, चलिए लाइक अवश्य करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, यही हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, हम इधर पढ़ा रहे हैं उधर से आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए लाइक तो बिल्कुल कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन है ना भाई, सर ने बहुत कठिन सवाल पूछ दिया, तो जब इतना कठिन पूछा हूँ तो इसका सरल तरीका भी बताऊँगा, ये भी तय है। कठिन सवाल पूछा हूँ तो इसका सरल तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सरलता से हम हल कर सकते हैं। बस 2 मिनट का समय इसमें मैं लूंगा आप सबसे, आप लोग 2 मिनट अपने स्तर पर हल कीजिए इसको। ठीक है, चलिए हल कीजिए, 64 आएगा कि 640 कि 720 कि 644, चलिए हल कीजिए। चौथा का सी दे रहे हैं कोई बच्चे, यानी अब कन्फ्यूजन है। जितने सरलता से आपने तीसरा प्रश्न को बनाया उतने सरलता से आप चौथे प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं, है ना भाई, ये थोड़ा सा समस्या आ रही है। अब देखिए हुआ क्या और इसको सॉरी, ये थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा बंद हो गया, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ना, मेरे पैर में लग गया, ये वायर जो है खिंचा गया, इस कारण है, थोड़ा सा वेट करना बच्चों, ये वायर खिंचा गया मेरे पैर से, वेट करना ना तब तक बनाना। हमारा स्टूडियो बहुत जुगाड़ का स्टूडियो है बच्चों, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बोलता हूँ समय नहीं मिल पाता आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कितने जुगाड़ किए गए हैं, है ना। चले दिखाते हैं, आगे कभी दिखाएंगे, अभी क्लास पर ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ क्या हुआ है, आपने क्या देखा कि 6 के प्रथम 6 गुणज, तो 6 के प्रथम 6 गुणज क्या होते हैं, ये पहला हुआ 6, उसके बाद 6 दूनी 12, फिर 6 3 18, फिर 6 4 24, है ना, फिर 6 5 30 और 6 6 36, इसको जोड़ना आसान है, आप आसानी से जोड़ सकते हो, है ना, उतना भी थोड़ा सा समय लगता है लेकिन इसको जोड़ सकते हैं हम, 6 का पहाड़ा लिख देंगे, 6 तक जोड़ देंगे, ये सामान्य तरीका है। अगर हमें कोई तरीका पता नहीं है तो ये बिल्कुल सामान्य तरीका है, 6 12। लेकिन आपको लगता है क्या कि इतनी जल्दी आप इसको जोड़ पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता भी कि हमको इतने जल्दी जोड़ पाएंगे, 6 ठो दिया है तो जोड़ पाएंगे क्या, तकलीफ, टाइम लगेगा, नहीं जोड़ सकेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा नहीं भाई। और इसी को यदि प्रथम 6 के जगह प्रथम 15 बोल देता तब तो हालत ख़राब हो जाती, जैसे कि यहाँ पर हो गया,
23 के साथ गुणा, तो वास्तव में तो मुझे भी खुद 23 का पहाड़ा याद नहीं है। 23 दूनी 46, 23 3 69, ऐसे मन में तुरंत तुरंत जोड़ के कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत जोड़ के कर रहा हूँ 23 23 46 करके, अब मुझे पहाड़ा ही याद नहीं है। तो ऐसे तरीके में तो काफ़ी कठिनाई होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 23 का दे दिया है, 23 का पूछा है, 28 का पूछ सकता है, 35 का पूछ सकता है, तो कोई सरल तरीका होना चाहिए, है ना, कोई सरल तरीका होना चाहिए। तो आपको करना क्या है बता रहा हूँ, देखिए आपको करना क्या है, किसी भी संख्या के गुणज का योग पूछा है, किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ पर 6 का पूछा है ना, 6 का पूछा है, कितने तक, प्रथम 6, प्रथम 6 अर्थात एकम दुनी तिया चौक पंचे छक्के, है ना भाई, 6 एकम 6 दुनी 6 तिया 6 चौक 6 चौक 6 पंचे 6 छक्का, 6 तक दिया है। तो आप क्या करना, देखो 6 तक दिया तो 1 2 3 4 5 और 6 इसको पहले जोड़ दो, प्रथम 6 पूछा है तो 6 तक जोड़ दो, ठीक है, जोड़ो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, और इसी 21 का गुणा जिस संख्या का गुणज पूछा है उसी से कर दो, ठीक है, इसी से कर, चाहे आप इसको यहाँ पे लिखो चाहे आप यहाँ पे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है इसमें। तो 6 एकम 6 6 दुनी 12, इसका उत्तर हो गया 126। हमने क्या किया, जितने गुणज पूछा है उतने तक को हमको जोड़ना है, यदि प्रथम 8 पूछा रहता तब 8 तक जोड़ते, प्रथम 10 पूछा रहता तो 10 तक जोड़ते, और 10 तक का जो योग तो आप लोगों को पता है 55 का खेल होता है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 23 के प्रथम 7 पूछा है, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक पहले जोड़ना है, कितना होगा, 6 तक का हुआ 21, 6 तक का 21 हुआ तो उसमें 7 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 28, है ना भाई, 28 हो जाएगा, 7 तक को जोड़ेगो तो 28 होगा कि नहीं होगा। अब इसी 28 में, इसी 28 में जिस संख्या का गुणा गुणज पूछा गया है उसी को गुणा कर दो, ये देखो 23 का गुणा कर दो, ठीक है, 23 का गुणा कर दो, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, ऐसे में कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना हम क्या किए हैं, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, इसका बेसिक वाला मैं वीडियो अलग बता दूंगा, यहाँ पे आपको ट्रिक को समझना है। अब देखो 3 8 24, 3 2 6 और 2 8, उसके बाद ये होगा 56, अब इसको कर दो टोटल, क्या हो जाएगा, 4 4 6 644 कहाँ पर है, ये इसका उत्तर है। ये इस प्रकार से आपको गुणजों के योग वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको बनाना है। अब आपके सामने प्रश्न में ये संख्या कुछ भी हो सकता है और ये भी कुछ हो सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, 6 7 8 10 तक का पूछा जाता, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये संख्या बदल सकता है। अगर प्रथम 8 पूछा रहता तो आप 1 से लेकर 8 तक को पहले जोड़ते, 28 और 8 36 हो जाता, 36 का गुणा करते 23 से, है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछ दिया 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ऐसे पूछ दिया, ऐसे मान लो पूछ दिया, तब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, 5 अर्थात 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 15, टोटल जोड़ेंगे तो 15, तो ये हो जाएगा 15, अब 15 गुणा 10 बराबर 150, बस ये आपका तरीका है। ये 15 कहाँ से आया, ये हम 5 तक को जोड़े, 1 2 3 4 5 जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 15, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े चलिए, है ना। जिस बच्चे को यदि समझ में नहीं आ पा रहा हो, क्योंकि हमारे साथ स्लो लर्नर अर्थात धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे, और फास्ट लर्नर अर्थात जल्दी सीखने वाले बच्चे, और पहले से पढ़े हुए एडवांस बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो सबको हम मैनेज करके चल रहे हैं, है ना भाई। तो जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो इस वीडियो को फिर से देखना, है ना, क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर देखना। चलिए अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हमने 4 प्रश्न पूरा कर लिया, अब 5वां प्रश्न आपके बीच, ठीक है, 5वां प्रश्न आपके बीच क्या है, 5वां, हाँ, 7 के प्रथम 5 गुणजों के योग में इकाई का अंक क्या होगा, ये प्रश्न है, और इसके ऑप्शन है 0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1,
ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इकाई के अंक में, सॉरी इकाई बोल दिया था, ये दहाई का अंक आपको बताना है। दहाई का अंक क्या होगा, सॉरी मैं इकाई बोल दिया था, है ना। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कम से कम बिल्कुल 100 बच्चे तो अवश्य जुड़े। शायद सबको सूचना नहीं मिल पाई है, इस कारण थोड़ा सा कम है यहाँ पे। चलिए बताइए, ठीक बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों का। अभी शुरुआती 1-2 महीना जो क्लास हमारा चलेगा बहुत ही स्टार्टिंग लेवल के लिए है। धीरे धीरे प्रश्न कठिन आपको मिलते जाएंगे, कठिन प्रश्नों को हल कर, शुरू से अगर कठिन प्रश्नों को हल कराते गए तो परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है हम जो है सबसे पहले सरल प्रश्नों को हल कराते जाएंगे, उसके बाद कठिन प्रश्नों को। वैसे ये प्रश्न भी कठिन है यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे। 7 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 यानी 15, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, है कि नहीं। तो 15 हुआ, 15 सत्य कितना होगा, 15 सत्य कितना होता है, कितना होता है जी 15 सत्य, टाइप करो तो कितना होता है 15 सत्य। चलिए खुशी भी जुड़ी है, शरद साहू जी का आ गया है, खुशी भी जुड़ी है। तो 15 देखिए क्या हुआ, 7 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो इसको हमने क्या किया था, जोड़ना है पहले 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, तो 15 हो जाएगा। तो 15 सत्य 105 आ रहे हैं। अब 105 में क्या पूछा है, दहाई का अंक कौन सा है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो दहाई में आया 0, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है, यही इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगला सवाल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल लाइक कीजिए, सभी बच्चे लाइक कीजिए, एक भी बच्चे मत छोड़िए। छठवा प्रश्न है 4 के, है ना। चलिए यहाँ पर मैं इसी को बता, यही इसी को छठवा बनाता हूँ। देखिए छठवा प्रश्न जो है 4 के प्रथम 10 गुणजों के योग में का, 10 गुणजों के योग में, है ना, 4 के प्रथम 10 गुणजों के योग में सैकड़े का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी जो है 6। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है, देखिए धीरे धीरे आप लोगों को अच्छा लगते जाएगा, समझ आते जाएगा। ठीक चलिए 63 बच्चे देख रहे हैं, 54 लाइक आए हैं, है ना। 4 बच्चों को शायद पसंद नहीं आ रहा है क्लास, तो 1 लाइक किए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि क्यों आपको हमारा क्लास पसंद नहीं आ रहा है, क्या आपको सुधार चाहिए ताकि हम आने वाले चीज़ों में उनको सुधार कर सकें। ठीक है, आने वाले क्लास में वो सुधर जाए। चलिए बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। 4 के प्रथम 10 गुणजों के योग में सैकड़े का अंक क्या होगा। बताइए, कुछ बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं तो उन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर को कमेंट करेंगे, जैसे क्वेश्चन 6 आंसर ए आंसर बी ऐसा टाइप का। ठीक है चलिए अब इसका उत्तर कैसे बनाएंगे इसको। 4 के प्रथम 10 गुणज, अर्थात सबसे पहले हमको 1 से 10 तक को जोड़ना है। तो हमने 55 का खेल एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको याद होगा कि 1 से 10 तक का जोड़ जो होता है 55 होता है। 55 का खेल तुमको भूलना नहीं है, हमेशा याद आएगा, हमेशा काम आएगा, याद आ गया बोल दिया था, काम आएगा। और 55 के खेल लिखना, YouTube में लिखना 55 के खेल बाई नारायण सर, बेहतरीन वीडियो है ना, उसको देखना और खूब शेयर करना। ठीक है, तो 55 होता है, 55 में जो है आप 4 को गुणा करो क्या हो जाएगा, है ना, 4 बार 50, 4 बार 5, 5 चौक 20, टोटल हो जाएगा 220। मैंने कैसे गुणा किया समझ रहे हो,
मैंने फटाफट गुणा किया। कैसे किया? ये 50 है, ये 5 है, 4 बार 50 का 200 और 4 बार 5 का 20, 220। ऐसा भी कर सकते हैं, ये धीरे धीरे अनुभव से आता है। आप क्या कर दो, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 22, जैसा आपको समझ आता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सैकड़े का अंक क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है। कुछ बच्चों ने इसको उत्तर दिया है शून्य को, तो भैया इकाई दहाई इधर से नहीं होता, इकाई दहाई इधर से होता है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो हमको सैकड़ा पूछा गया तो इसको बताना है। कुछ बच्चों को मैं देखा हूँ शून्य आए हैं, ठीक है। चलिए अगला अगला सवाल, 7वां नंबर का सवाल। 6 प्रश्न पूरे हुए, 4 प्रश्न और बचे। वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है अवश्य बताएं, ताकि हमको आगे काम करने में सुविधा हो सके। 7वां, 9 के प्रथम 4 गुणजों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा। चलिए अब इसका ऑप्शन है ए 0, बी 4, सी 3, डी 6। चलिए बनाइए, वेट करते हैं। गुड, शून्य उत्तर, शून्य आ रहा है ना, देखते हैं। सातवां का शून्य आंसर आप लोगों का आ रहा है, 7वां का 0। गुड, बढ़िया बढ़िया आंसर कर रहे हो, देखते हैं किसका किसका सही होता है। पढ़ रहा हूँ मैं, पटेल जी का आया है ना, डीकेएस पटेल है ना, ठीक ठीक बढ़िया। खूब शेयर करें क्लास को, खूब शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, है ना। आंचल वर्मा 0, बढ़िया, देखते हैं किन बच्चों का उत्तर सही हो रहा है। रमा बघेल, अच्छा बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, कमेंट करते जाए, गुड। गुड, बढ़िया, देवेन जी ठीक, आगरा से जुड़े हैं आप। बढ़िया, दीपिका भी जुड़ी है, आयुष भी जुड़े हैं, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, प्राची साहू, खुशी साहू, सब बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचमेंट के जो पढ़ते थे। कैलाश वर्मा, अर्थात ये होगा संभवता क्षितिज हो सकता है या दिमांश हो सकता है। प्रजापति, बढ़िया आंसर, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो सही, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न कह रहा है कि 9 के प्रथम 4 गुणजों के गुणनफल गुणनफल निकालना है सबसे पहले आपको, है ना, सबसे पहले आपको गुणनफल निकालना है। देखिए एक दो बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर आया है, अधिकांश बच्चे शून्य उत्तर दिए हैं, और मैं जब प्रश्न को बनाया अभी आधा घंटा पहले टाइप किया लिखा, तो मुझे अंदाजा था कि अधिकांश बच्चे एक को ही देंगे, और ये गलत है। क्यों गलती की बता रहा हूँ, आपने क्या किया, 9 के प्रथम 4 गुणा अर्थात 9 × 10 किए हो, 10 × 10 = 90, तो इकाई में आ गया शून्य, ऐसा आपने लिखा है। ये 10 कब आएगा, जब हम 1 × 2 × 3 × 4 करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गुणनफल कहा गया है, यहाँ पर गुणनफल कहा गया है ना, यहाँ पर क्या कहा गया है, गुणनफल, क्लियर है। तो ये जोड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं दो तरीका बताऊंगा, पहला आप जो है 9 के जो प्रथम 4 गुणज है, तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36, इतना को आप गुणा करोगे। अब गुणा करने की पूरा आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इकाई का अंक बताना है। चले मैं एक और कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी में से
इसी कॉन्सेप्ट में आगे का गणित भी छिपा हुआ है, जहाँ जरूरत नहीं है वैसे कॉन्सेप्टों को नहीं बताऊंगा, दिमाग में जरूर आया था बता दूं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, 9 के प्रथम चार गुणज कौन कौन सा है? पहला तो 9 है, दूसरा 18 है, तीसरा 27 है और चौथा 36 है। चौथा जो है 36 है, पाँचवा 45, उसके बाद 54 ऐसा है। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है, इतने सारे को गुणा करते जाओगे ना तो हो गया, बहुत समय लगेगा, मेरे भी दिक्कत होगा, आप लोग तो बच्चे हैं, लेकिन इसमें ये जान रहे हैं ना उदय वाले कि इसको गुणा करने में बहुत परेशानी होगा, लेकिन फिर भी क्या पूछा है, इसका गुणनफल पूछा है, टोटल गुणनफल नहीं पूछा है, गुणनफल में इकाई का अंक। तो आपको क्या करना है, केवल इकाई गई को गुणा, इसका इकाई गुणा करना है, इसका इकाई गुणा करना है, ये इकाई गुणा करना है, इसी बस को गुणा करना है। अब देखो 6 का गुणा 7 से, तो 6 × 7 = 42, अब 42 में 2 अंक आ गया, तो इकाई बस को रखो, बाकी को सीधा मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 6 × 7 = 42, 42 में 2 इकाई आया, बस इसी को। अब 2 का गुणा 8 से, 2 × 8 = 16, 16 में आप 1 को हटा दो, ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई को पकड़ो। अब 6 × 54, 6 × 54, तो 54 में केवल इकाई देखो 4, और 4 ही इसका उत्तर है। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, एक बार मैं फिर से बता दूं, गुणा करने के लिए पूरा गुणनफल नहीं पूछा है, केवल गुणनफल अर्थात इतना को जब गुणा करेंगे ना तो उत्तर के इकाई में क्या आएगा ये पूछा है। तो आप क्या करोगे, सबके इकाई इकाई को ही गुणा करोगे, सबके इकाई को। तो देखो 6 × 7 = 42, 42 में 4 और 2 होता है ना भाई, तो केवल इकाई में क्या आया 2, उसी को पकड़ना है, बाकी को छोड़ना है, बाकी को आपको छोड़ते जाना, 6 को पकड़े बाकी छोड़ दिए, 6 × 54 केवल 4 को पकड़े बाकी को छोड़ दिए, तो उत्तर आया 4। क्लियर है ना। यहाँ पे अगर योगफल पूछा जाता तब अलग बात था, यहाँ पर गुणनफल का इकाई पूछा है, इसके पहले योगफल का पूछा, ये गलती आपसे हुआ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल, 8वां नंबर का सवाल जो इसी प्रकार से है, चलिए देखते हैं 8वां नंबर के सवाल में क्या है। 8वां नंबर का सवाल है 7 के प्रथम 7 गुणजों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब चलिए, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी जो है 3 है, और ऑप्शन डी जो है 4 है। चलिए बताइए, हल कीजिए। चलिए अभी मैंने बताया ना, उसी प्रकार से आपको हल करना है। हल कीजिए। चलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही आप कमेंट कर पाएंगे, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए उत्तर क्या आ रहा है आप लोगों का। हाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है ना भाई। 7 का प्रथम 1 से 7 तक जोड़ोगे तो होता है कितना, 28 है ना। हाँ तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देखो क्या करना है, 7 मैं भी जोड़ने में चले गया था, 7 × 14 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। अब क्या करेंगे, इकाई को गुणा करते जाएंगे, सबका इकाई इकाई को गुणा करते जाएंगे। अब देखो इकाई में 9 × 2 = 18, 8 मिला, 8 × 5 = 40, अब 40 देखो 9 × 2 = 18 है ना भाई, 18 में 8 बच इकाई हुआ, फिर 8 का गुणा करेंगे 5 से, 8 × 5 = 40 हुआ। अब 40 में जैसे ही इकाई में 0 आया, जैसे ही गुणनफल में इकाई में 0 आया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लो एक बार 0 आया मतलब इकाई में 0 ही आएगा, 0 × 8 = 0, 0 × 1 = 0, 0 × 4 = 0, 0 × 7 = 0, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, 0 ही होगा, इसका उत्तर 0 ही होगा, इकाई का 0 होगा। क्लियर है। चलिए
अगला सवाल, कितने सवाल हो गए? 8 सवाल हो गए, 2 सवाल और बचे हैं। बच्चों आपको बता दें कि हमारे चैनल अर्थात उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में बहुत से बच्चे जुड़कर पिछले साल पढ़ाई किए, और अभी रिजल्ट आने के बाद इतने बच्चों का फ़ोन आ रहा है, इतने पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर आपके पढ़ाई से हमारे बच्चों का चयन हो गया, और सभी लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए हमारा चयन हुआ। लेकिन बच्चों आपको क्लियर करूं, आप थोड़ा सा ये सोचिए कि उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से काफ़ी बच्चे पढ़े होंगे, है ना भाई? मैं देखो, मैं कभी क्रेडिट के चक्कर में आगे नहीं बढ़ता, ज़्यादा नहीं बढ़ता, हमेशा तो थोड़ा बहुत चाह रहता है कि हम जो सफलता प्राप्ति किए बच्चे हमको रिस्पांस दें। लेकिन असली मेहनत क्या होता है? असली मेहनत ये होता है कि जब आपको टीचर कुछ सिखा रहे हैं, जैसे हम आपके सामने एक टीचर के रूप में हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, तो वहाँ पे टीचर कुछ चीज़ें बता रही हैं, तो उन बता रहे हैं या बता रही है, तो उनको आपको क्या करें, ध्यान से समझना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो पेरेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जो है अपने बच्चों से इस प्रकार के अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। इसी प्रकार से बहुत अच्छा अभ्यास देवेंद्र पाल जी जो अभी जुड़े हैं उन्होंने किया था, उसके बच्चे का बहुत अच्छा स्कोर आया, 80 में से 77 प्रश्न सही किए हैं परीक्षा में वो। उसी प्रकार हर्षवर्धन मिर्चे के पिताजी आस्करण मिर्चे जी, वो खूब मेहनत की अपने बच्चों के लिए, हमसे लगातार जुड़े रहे। तो इसी प्रकार आप शुरुआत में जुड़े हो ना, तो आप भी क्या करना, जुड़ना। और क्लास के दरमियान, मेरे लाइव क्लास के दरमियान, जैसे मैं यहाँ पे लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, तो जल्दी कमेंट करने के चक्कर में कोई भी पेरेंट्स, कोई भी भैया दीदी, है ना, आपकी मदद ना करें। आपको स्वयं सोचना है कि कौन सा उत्तर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मदद मांगते जाएंगे तुरंत ना, तो परीक्षा में दिक्कत हो जाएगा आपको। अभी किसी से मदद मत लेना, अपने मन से बनाना, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद बिल्कुल आप लोग डिस्कस करना अपने मम्मी पापा से, ठीक है बच्चों? चलिए, प्रश्न क्रमांक 9, कैसा लग रहा है क्लास? बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हमारे वीडियो भी आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, सर से करने में जल्दी में आगे बढ़ता है। आप नहीं चाहते क्या उज्ज्वल लक्ष्य बड़ा हो, उज्ज्वल लक्ष्य चैनल जो है बड़ा हो? आप लोग तो सभी चाहते हो ना भाई, तो आप लोग चलो इसके बारे में क्लास कैसा लग रहा है अवश्य बताना। निम्न में से है ना, कौन सी संख्या 4 व 6 दोनों का गुणज है, दोनों का गुणज है? और ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 72। चलिए बताइए, 9वां प्रश्न, आप लोग कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 व 6 दोनों का गुणज है? ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, है ना भाई? बताइए 9वां का कौन सा उत्तर होगा? बताइए, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप लोग, ऑप्शन डी अधिकांश बच्चों का रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले 4 का कौन कौन सा है, 4 × 40 40 है, 50 नहीं है, 40 और 72 4 के में आ रहा है। अब 40 और 72 देखो 6 में आ रहा है क्या, 6 के पार हम तो 40 आता नहीं, 72 आता है जी। सर मैं क्लास से लेफ्ट हो रही हूँ अपने पेरेंट, है ना, लाइव क्लास के बाद शायद ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी, ठीक है? अगला और आखिरी सवाल, 10वां, ठीक है? अगला सवाल और आखिरी सवाल आज की क्लास का, ठीक है? आप लोग हमारे नवोदय के सभी वीडियो को अवश्य देखिए, पुराने वीडियो को, सब कॉन्सेप्चुअल बने हुए हैं, उसको देखिएगा। 10वां सवाल क्या कहता है,
दसवां सवाल कहता है, निम्न में से वह संख्या बताओ, शुरुआत है बहुत सिंपल प्रश्नों को मैं पढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे बड़ा कठिन करते जाऊंगा। वह संख्या बताओ जो चार का तो गुणज है लेकिन आठ का नहीं। चार का गुणज है लेकिन आठ का नहीं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 84। चलिए बताइए, आखिरी प्रश्न है गुणज वाला कॉन्सेप्ट का। फिर ये इस प्रकार से अनेक हमने 10 प्रकार के उदाहरण आपके बीच रखे और गुणज वाला लगभग कंप्लीट हो गया। कल का जब क्लास होगा तो इससे आगे का कोई नया कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल शाम को 7 बजे फिर से लाइव क्लास होगा, उसमें आपको जुड़ना है, कंटिन्यू जुड़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, 4 का तो है लेकिन 8 का नहीं है। देखो ऑप्शन ए में 16 है तो 4 से भी भाग जाता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 8 के भी पहाड़ा में आता है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। 12 चौक 48 और 8 छक्का 48 ये भी हो गया, 18 चौक 72 और 8 नियम 72 ये भी पहाड़ा में आ रहे हैं दोनों के में, लेकिन 84 नहीं आ रहा है। 84 जो है 21 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है 21 बार में, लेकिन 8 के पहाड़ा में नहीं आता। तो इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है। कल अगले क्लास लाइव क्लास का फिर एक नया कॉन्सेप्ट पर पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग क्या करें, ऐसे प्रश्नों की जो आपके पुस्तक में है ना भाई, नवोदय की जो भी पुस्तक खरीदे हैं उसमें से जितने भी गुणज वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज आप लोग बनाइएगा, ढूंढिएगा, प्रश्नों को खोजिएगा कहाँ कहाँ पर है। संख्या पद्धति होते हैं जनरली प्रश्न जो है उसको ढूंढिए और बनाइए, जितने भी गुणज वाले प्रश्न हैं, है ना। और उसके बाद और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको ऐसे सर्च करना है JNVST22 by Narayan Sir, इतना लिख के आप YouTube में सर्च करोगे ना तो हमारे नवोदय की वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए क्लास क्लोज करते हैं, कैसा लगा क्लास अवश्य कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे और क्लास कैसा लगा वो कमेंट करके ही जाएंगे, ठीक। चलिए नमस्कार।